हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट वन के एक टॉपिक के बारे में, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। यूनिट वन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स का ये जो टॉपिक है, आज हम इस वीडियो में इसको समझेंगे और बाकी के टॉपिक्स आपको आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाएंगे जो कि इसी चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, देखिए ये जो फंक्शंस हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के, जिनमें हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जो पांच जो फंक्शंस हैं इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है, यानी कि कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट है, कॉम्पिटिशन है, वो हम मैनेज कर सकें। तो उन स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ये टॉपिक हमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। उसमें जो पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, और इस जो प्लानिंग है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ें। तो देखिए, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। इन प्लानिंग वी मेक प्लान्स एंड ट्राई टू अचीव द गोल वी हैव मेड। वी परफॉर्म ऑल आर एक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट गोल। अब देखिए, यहाँ पे जो प्लानिंग की पूरी मैंने यहाँ पर एक उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक, तो इसको मैं हिंदी में आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करेंगे, ठीक है। और प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं, जो भी हमने प्लान बनाए हैं, जो भी हम प्लान बनाते हैं, तो उनको हमें अचीव करना है, और उनको हम अचीव किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो भी एक्शंस हैं हमारे, ठीक है, उनको परफॉर्म करते रहना है ताकि हमारा जो भी गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी एम है, उसको हम अचीव कर सके। सपोज़ कीजिए कि कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है, तो कोई भी एक स्पोर्ट्स इवेंट है उसके लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है, ठीक। मान लीजिए 23 डेट है कोई भी, ठीक है, मार्च, अप्रैल या मई में मान लेते हैं, उसी टाइम में कोई स्पोर्ट्स इवेंट में मतलब होने वाला है, ठीक। तो जब भी वो इवेंट हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी डेज हैं प्लानिंग के, तो हम उन समय में प्लानिंग करके, ठीक, मतलब हमारे पास मान लीजिए आज 1 तारीख है, 1 मार्च है, और हमें जो है 15 मार्च को कोई इवेंट हमें परफॉर्म मतलब करना है, या कोई इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करवाना है, तो हम 1 तारीख से जो है उसकी प्लानिंग शुरू कर देंगे कि हमें किस तरीके से वो इवेंट को प्लान मतलब इवेंट को परफॉर्म करवाना है, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, किन लोगों की ज़रूरत होगी, कौन परफॉर्म करेगा, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, कौन कौन गेस्ट आएंगे, सारे रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, कौन उनमें फंड्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, यही प्लानिंग है, यही प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक। तो ये होती है प्लानिंग, यानी कि डिसाइड करना एडवांस में ही कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या रिसोर्सेज का हमें रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। देखिए, प्लानिंग के बाद जैसे हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी व्यक्ति हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, असाइनमेंट दिए जाते हैं, ठीक, असाइनमेंट ऑफ टास्क टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी। ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं स्टाफिंग की। देखिए, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है जो भी लोग हमें चाहिए हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ठीक, स्पोर्ट्स इवेंट को अच्छे से मैनेज करवाने के लिए जो भी हमें लोग चाहिए, उनकी रिक्रूटमेंट करना, उनके सिलेक्शन करना, ठीक है, राइट पर्सन हमें हम ढूंढते हैं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया स्टाफिंग, यानी कि जिन लोगों की हमें ज़रूरत है, जिन कैपेबिलिटीज़ के साथ में जिन लोगों की ज़रूरत है, हमें वही लोग स्टाफिंग में रखने पड़ते हैं, स्टाफिंग में हायर करने पड़ते हैं, रिक्रूट करने पड़ते हैं, उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का देखिए मतलब क्या, जब हम प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग भी हमने कर लिया, उसके बाद क्या होता है, देखिए, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, उसके बाद
डायरेक्ट करना होता है, मतलब कि दिशा निर्देश दिए जाने होते हैं कि भाई देखिए आप प्लान कर चुके हैं कि क्या स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट मतलब क्या स्पोर्ट्स इवेंट होगा, तो वो हमने प्लान कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ठीक, ऑर्गेनाइज़ में हम पढ़ चुके हैं, जो भी हमें जिस जिसको जो भी टास्क देने हैं वो हम दे देंगे। फिर हम स्टाफिंग कर लेंगे कि हमें जो भी रिक्रूटमेंट हमें किस किस पर्सन को रिक्रूट करना है, ठीक है, और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हमें ढूंढना है। उसके बाद डायरेक्टिंग जो है, अब डायरेक्टिंग में करते हैं गाइड करना, ठीक है, कि भाई ये जो इवेंट है इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, गाइड करना, सुपरवाइज़ करना, मोटिवेट करना जो भी स्टाफ है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग, ठीक, तो कंट्रोलिंग को मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार और रिवाइज़ करते हुए आपको और अच्छे से बता दूंगा। कंट्रोलिंग का यहाँ पे मतलब है कि मान लीजिए अब सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक, प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब मतलब कंट्रोलिंग अब कर रहे हैं, तो प्लानिंग में आपने प्लान कर लिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग में आपने स्टाफ को रिक्रूट वगैरह किया, डायरेक्टिंग में आपने क्या किया, डायरेक्ट करना कि हाँ भाई जो भी हमने स्टैंडर्ड्स अपने सेट किए हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टिंग में क्या है कि गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग, गाइड करना, सुपरवाइज़ करना कि भाई ये सारा काम इस तरीके से होना चाहिए, और मोटिवेट करना, ठीक। उसके बाद अब अगर सब चीज़ें सही से चल रही हैं तो कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, और अगर वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम नेसेसरी स्टेप्स ले सकें उसको जो है स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी आपने एक कोई एक टास्क सोचा था कि भाई यहाँ पर ये जो भी इवेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसमें हम यहाँ पर कुछ चेयर्स यहाँ पर बिछाने हैं और कुछ चेयर्स हमें कहीं और पे सेट करने हैं, चेयर्स, ठीक है, बैठने वाली कुर्सियाँ हमें कहीं पे ये कुर्सियाँ चाहिए और कहीं पे हमें दूसरी कुर्सियाँ लगानी हैं, तो अब क्या वो कुर्सियाँ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लगी हैं, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, ये चेक करना, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगी हैं, तो उनमें फेरबदल करके उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना या उपलब्ध कराना नई कुर्सियाँ। तो इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑर्गेनाइज वाला जो आप लोग अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देना। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग में, उसके बाद मैंने स्टाफिंग बताया आपको, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि स्टाफिंग तो बाद में हो रहा है कि रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, तो टास्क किसको दिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में? तो स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजिंग में ऑलरेडी जो अवेलेबल लोग हैं उनको हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने के लिए, उनमें से क्या होता है फिर वो भी वो स्टाफिंग भी करते हैं, ठीक है, वो स्टाफिंग भी करते हैं किन किन लोगों को सेलेक्ट करना है स्टाफिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है कई लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये जो टॉपिक है इसमें हमें यहाँ पर जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या और आप चीज़ें डिटेल में बताइए, तो मैं एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।